केविन, मैं एक सवाल और पूछना चाहूंगा यहाँ पे कि आप अपनी एज बताएंगे, आपकी एज क्या है? सर मैं अभी 21 का हूँ, 21 रनिंग। अच्छा, तो मैं ये आपकी एज इसलिए पूछ रहा हूँ, मैं आपको एम्बरेस नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी एज इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि लोग इस प्लीज चीज को समझ सकें कि अभी आपकी 21 साल है, अगस्त में आपका रिजल्ट आ जाएगा और दिसंबर तक, मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर तक आपका हम लोग प्रोसेस है वो पूरा करवा देंगे और 22 साल के होंगे तब तक आप यूके में आ चुके होंगे। मैं लोगों को आपके थ्रू ये चीज बताना चाहता हूँ कि देखो सक्सेस आपको मिल गई है 22 ईयर्स के अंदर। जी एविन, मैं एक चीज और पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि आपकी जो लैंग्वेज है इसके अंदर आप थोड़ा गुजराती टच आता है, तो आपकी जो 11, 12, 10 मतलब आपकी जो स्कूलिंग थी वो कौन से मीडियम से आपने पास आउट करी है? मैंने 10+2 मेरी 12th तक गुजराती मीडियम से ही थी। आपकी नर्सिंग कंप्लीट हो गई है? और नहीं, अभी एक्चुअली मेरी चल रही है। अभी मेरा दो मेरे पेपर खत्म हुए हैं, मैं कह सकता हूँ, और अभी एक पेपर और बचा है। और हेलो, हाँ जी नमस्कार, मेरा नाम है संदीप चौहान, आप देख रहे हैं चौहान यूके वाइब्स। तो जैसे ही काफी सारे लोगों का एक सवाल होता है कि सर हम हिंदी मीडियम से हैं, गुजराती मीडियम से हैं, मराठी मीडियम से हैं, तो क्या हमारा ओईटी एग्जाम क्लियर हो जाएगा? तो हाँ, आप लोगों का ओईटी एग्जाम क्लियर हो जाएगा और आपके सामने एक एग्जाम्पल भी है जो कि आज हमारे इस वीडियो के अंदर जिसका हमने इंटरव्यू लिया है वो गुजराती मीडियम से ही है और उन्होंने अपना ओईटी एग्जाम क्लियर भी किया है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अभी उनकी नर्सिंग भी कंप्लीट नहीं हुई है और उनका जो ओईटी एग्जाम है वो पहले से क्लियर हो गया है। तो जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। इस वीडियो के अंदर एक इन्फॉर्मेशन मैं और देना चाहता हूँ, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है जो भी स्टूडेंट यूके में आते हैं पढ़ने के लिए, तो यूके का जो सितंबर इंटेक होता है, अभी सितंबर इंटेक स्टार्ट होने वाला है, तो जो अकोमोडेशन होते हैं काफी ज्यादा मारामारी होती है अकोमोडेशन की, तो आपको अकोमोडेशन नहीं मिलता है। तो इस प्रॉब्लम का भी हमारे पास सोल्यूशन है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि अभी सितंबर जो इंटेक है इसके अंदर काफी सारे स्टूडेंट्स आएंगे और जो यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन है वो ज्यादातर फुल ही होते हैं। तो अगर आप एम्बर स्टूडेंट के ऊपर जाते हैं वहाँ पे आपको मोर देन 1 मिलियन बेड्स आपको वहाँ पे मिल जाते हैं और मोर देन 20,000 प्रॉपर्टीज है जहाँ पे आप अपनी प्रॉपर्टी चूज कर सकते हैं, जो कि 200 मोर देन 200 सिटीज के अंदर इनके अकोमोडेशन है। तो डेफिनेटली आपको वहाँ पे अकोमोडेशन मिल जाएगा। और सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि आप इंडिया में रहते हो इनकी वेबसाइट को अगर सर्च करते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, और जो वेबसाइट है काफी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आपको कहीं से कुछ चीज़ें पता करने की जरूरत नहीं है। अगर आप वेबसाइट पर जाते हैं, अपने आपको लॉग इन करते हैं, तो डेफिनेटली आपको वहाँ से आपका अकोमोडेशन मिल जाएगा। सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि इनके पास हर टाइप की अकोमोडेशन है, जैसे कि अगर आपको अपनी प्राइवेसी पसंद है तो आप अपना स्टूडियो अपार्टमेंट ले सकते हैं जिसके अंदर आपकी जो लिविंग स्पेस है वो आपकी खुद की होगी, किचन आपका खुद का होगा, बाथरूम है आपकी खुद की होगी, और चाहें तो आप एन सीट भी ले सकते हैं जिसके अंदर आपको अपना जो किचन है वो शेयर करना पड़ेगा, बाकी आपका अटैच लैट बाथ होता है और आपका खुद का रूम होगा। तो इसके बेस्ट चीज़ ये है कि आपके आप वहाँ पे फिल्टर यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो आप अपनी आपके बजट के हिसाब से ले सकते हैं, चाहे तो आप अपनी प्राइवेसी के हिसाब से भी ले सकते हैं। बाकी एमिनिटीज़ भी हैं इसके अंदर, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है मुझे जिम पसंद है, तो आपको जिम वगैरह भी मिल जाती है, वो आप डिपेंड करता है आपके अकोमोडेशन टू अकोमोडेशन। काफ़ी सारी कंट्रीज़ के अंदर इसके अकोमोडेशन है हर स्टूडेंट के, अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देखते हैं वहाँ पर लिंक है, आप वहाँ पर क्लिक करके अपना जो अकोमोडेशन है बुक कर सकते हैं, आप इंडिया से ही बुक कर सकते हैं। और अगर मैं आपको कंट्रीज़ की बताऊँ तो यहाँ पे कंट्रीज़ की उनकी लिस्ट है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, आयरलैंड, पोर्चुगल, स्पेन, यूके, यूएसए, अगर आप यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं एज ए स्टूडेंट, अगर आप कैसे भी एज ए स्टूडेंट ही नहीं, अगर आप कैसे भी आप वहाँ पर जा रहे हैं, अगर आपको वहाँ पर अकोमोडेशन चाहिए तो डेफिनेटली एम्बर स्टूडेंट आपकी हेल्प करेगा। और जो इनके जो कस्टमर केयर है वो 24/7 अवेलेबल है, आप कभी भी उनको कॉल कर सकते हो अगर आप उनकी साइट पर जाकर चेक करते हो। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आप चाहें तो उस लिंक से अपना जो अकोमोडेशन है वो आप लोग बुक कर सकते हैं। काफी सारे लोग मुझसे पूछते हैं सर लंदन के अंदर अकोमोडेशन नहीं मिला मुझे, यहाँ पे अकोमोडेशन नहीं मिला, तो डेफिनेटली अगर आप जाकर उस लिंक पर क्लिक करते हैं तो आपका अकोमोडेशन आपका वहाँ पर आराम से मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं, हम लोग बात करते हैं हेविन से, उनका जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करते हैं। हेलो, हाँ जी, आज हमारे साथ हेविन है और हेविन ने अपना रिसेंटली अपना ओईटी एग्जाम क्लियर किया है, तो हेविन अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे आप सभी लोगों के सामने। सो हाय हेविन। हेलो सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू मी। माय नेम इज हेविन एंड आई एम फाइनली अ बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट। आई क्लियर्ड माय ओईटी एंड आई गॉट C+ इन राइटिंग एंड बी इन ऑल रिमेनिंग मॉड्यूल्स। सो आई गॉट रिक्वायर्ड स्कोर फॉर यूके नर्सिंग प्रोसेस पर्टिकुलरली। और मैंने मेरी कोचिंग संदीप सर से ही मैंने लिए, और मैं इनिशियली मुझे सारी चीज़ें पता जो चली कि यूके में नर्सिंग का प्रोसेस इस तरह से है और वो है, तो संदीप सर से ही पता चला है। जब मैं थर्ड ईयर में था प्रॉबेबली, तभी मुझे पता चला कि यूके में ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ है नर्सिंग के लिए। तो संदीप सर से ही मैं इंस्पिरेशन भी लिया संदीप सर से, और संदीप सर से ही मैं सीखा हूँ सारी चीज़ें। और फिर मैं मुझे पता चला कि सर कमल एकेडमी भी चलाते हैं, तो मुझे और इजी हो गया कि सारी चीज़ें की प्रोसेस कैसे चलेगी और कैसे मैं प्रिपेयर करूँगा। अच्छा हेविन, मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ, अभी आपकी नर्सिंग कंप्लीट हो गई है? नहीं, अभी एक्चुअली मेरी चल रही है। अभी मेरा दो मेरे पेपर खत्म हुए हैं, मैं कह सकता हूँ, और अभी एक पेपर और बचा है और प्रैक्टिकल एग्जाम भी बची है अभी।
अच्छा मतलब आप लास्ट ईयर में, आप फोर्थ ईयर में हैं, इससे पहले आपकी ओईटी आपकी खत्म हो चुकी है, जैसे कि मुझे तो खैर पता ही है, मैं बाकी लोगों को बता देना चाहता हूँ कि हेविन अभी बीएससी नर्सिंग फोर्थ ईयर के अंदर है, अभी इनका एग्जाम भी अभी तक नहीं हुए हैं, अभी दो एग्जाम इनके बाकी हैं, पर सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि इनकी ओईटी ऑलरेडी क्लियर हो चुकी है, अब एटलीस्ट इनके सामने एक एक क्लियर रास्ता है, जैसे कि इन्होंने हमसे हमसे कॉन्टैक्ट करने से पहले ये बातें बताई थी कि सर हम लोग, मैं फोर्थ ईयर में हूँ और मुझे सारी चीज़ें करनी है, ओईटी करनी है, तो इन्होंने अपनी ओईटी करी है, अभी इनका ओईटी एग्जाम क्लियर हो गया, अभी इनके सामने एक चीज़ सारी चीज़ें क्लियर हैं कि हाँ अभी इनका एग्जाम खत्म होगा और ये सीधा यूके जाके काम करेंगे, ना ही इनको प्राइवेट में जाना पड़ेगा, ना ही इनको गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, ये सारी असल से आप बच गए क्यों हेविन? यस एग्जैक्टली सर, और वही सारी जो चीज़ें थी कि ऐसे मैसअप था कि कहाँ पे जाना है, कहाँ पे मतलब बाद में क्या करेंगे, तो वो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई है। डिग्री आने से पहले ही मुझे क्लियर हो गया है कि अब मेरा जो आगे का फ्यूचर होगा, मेरा करियर जो होगा, करियर पाथ जो होगा, वो क्लियर हो चुका है। इवन हैविंग एक बात ये है कि काफी सारे लोग डिग्री लेने के बाद अपना एग्जाम क्लियर करने के बाद भी क्लियर नहीं होते हैं कि उन्हें क्या करना है, और आपके साथ बेस्ट चीज ये हुई है कि आपकी ओईटी पहले ही क्लियर हो गई, आपकी डिग्री नहीं आई, जैसे आपकी डिग्री आएगी हम आपका प्रोसेस दोबारा आपका स्टार्ट करवा देंगे, आपकी सीबीटी की प्रिपरेशन वगैरह, वो तो आपको सारी चीजें पता है, अगर आप हमारे साथ हो तो आपको सारी चीजें हम लोग करवाई देंगे। अच्छा हेविन, मैं एक चीज और पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि आपकी जो लैंग्वेज है इसके अंदर आप थोड़ा गुजराती टच आता है, तो आपकी जो 11th 12th 10th मतलब आपकी जो स्कूलिंग थी वो कौन से मीडियम से आपने पास आउट करी है? मैंने 10+2 मेरी 12th तक गुजराती मीडियम से ही थी, और इवन आप सब लोग भी ऐसे पता चल रहा होगा मेरा हिंदी एक्सेंट भी गुजराती एक्सेंट से मिक्स हो रहा है, और इवन मेरा इंग्लिश एक्सेंट तो ऑब्वियसली होता ही होगा, जो मैंने इवेल्युएट नहीं किया एक्चुअली, लेकिन सर ने और फैकल्टी सब ने किया ही है कमल एकेडमी में, लेकिन उन्होंने काफ़ी सारे सपोर्ट किया, और इवन मेरा गुजराती मीडियम था तो भी मैं थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंट भी था, और सर से भी और फैकल्टी से भी मुझे काफ़ी सारा रीअश्योरेंस मिला कि चलो ठीक है, आप समझा पा रहे हो चीज़ों को, तो कोई इश्यू नहीं है कि समझ नहीं आ रहा है सामने वाले पेशेंट को, और आपके पास ऐसे सिंपथाइज चीज़ें है सारी कि आप कह सको कि क्या कहना है क्या नहीं करना है, तो मैं उसी में कॉन्फिडेंट हुआ, और तभी जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता रहा वैसे वैसे मैंने दी, तो हाँ बेसिकली मेरी गुजराती मीडियम से ही था, और इंग्लिश मीडियम मेरा अभी कॉलेज से ही शुरू हुआ फर्स्ट ईयर से। चलिए देखो, मैं ये चीज़ इसलिए पूछ रहा था क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कि सर हम लोग हिंदी मीडियम से, हम मराठी मीडियम से हैं, हम गुजराती मीडियम से हैं, तो क्या हम ओईटी क्लियर कर सकते हैं? तो देखो आपके सामने हेविन एक एग्जांपल बैठा है जिन्होंने अपनी गुजराती मीडियम से अपनी जो 12th स्टैंडर्ड है वहाँ तक वो पढ़े हैं, उसके बाद फिर वो इंग्लिश में उन्होंने अपना एग्जाम क्लियर किया है ओईटी ऑक्यूपेशन इंग्लिश टेस्ट, और सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि काफ़ी सारे लोग एक्सेंट को लेके भी करते हैं, सर हमारा एक्सेंट कैसा होना चाहिए, क्या हमारा ब्रिटिश एक्सेंट होना चाहिए, क्या हमारा अमेरिकन एक्सेंट होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो सभी लोगों को ये चीज़ बोलता हूँ कि अगर आप अपने आप को समझा सकते हो अपने पेशेंट को, दैट्स द ओनली थिंग व्हाट वी नीड। सही बात है कि नहीं? एग्जैक्टली, आप खुद देख सकते हो कि अभी हेविन का जो एक्सेंट है वो कहाँ हिंडर कर रहा है, इवन हिंदी में भी उनकी एक्सेंट आ रहा है, गुजराती एक्सेंट आ रहा है, इंग्लिश में भी आता है, वो हमें पता है इस चीज़ के बारे में, इन्होंने हमारे यहाँ से क्लासेज ही ली हैं, पर हाँ हमने ये बोलता कि नहीं आपका हो जाएगा एग्जाम क्लियर, और डेफिनेटली उनका एग्जाम क्लियर हो गया। हेविन, मैं एक सवाल और पूछना चाहूंगा यहाँ पे कि आप अपनी एज बताएंगे, आपकी एज क्या है? सर मैं अभी 21 का हूँ, 21 रनिंग। अच्छा, तो मैं ये आपकी एज इसलिए पूछ रहा हूँ, मैं आपको एम्बरेस नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी एज इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि लोग इस चीज़ को समझ सकें कि अभी आपकी 21 साल है, अगस्त में आपका रिजल्ट आ जाएगा और दिसंबर तक, मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर तक आपका हम लोग प्रोसेस है वो पूरा करवा देंगे, और 22 साल के होंगे तब तक आप यूके में आ चुके होंगे। मैं लोगों को आपके थ्रू ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि देखो सक्सेस आपको मिल गई है 22 इयर्स के अंदर, आगे भगवान आपको और भी सारी चीज़ें देगा, और डेफिनेटली आप अगर मेरे टच में हो तो मैं आपको यहाँ पे आने के बाद भी गाइड करूँगा कि आपको आगे क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, बैंड 6 के लिए क्या करना चाहिए, 7 के लिए क्या करना चाहिए, अगर आपके ऑस्ट्रेलिया जाना है उसके लिए क्या करना है, न्यूजीलैंड जाना है उसके लिए क्या करना है, मैं आपको गाइड करता रहूँगा ना। पर इनिशियली आपकी नर्सिंग भी इवन अभी कंप्लीट नहीं हुई है, 21 के आप हो और 22 में आप, अगर आपको आपने एक जॉब सिक्योर कर ली है जिसके अंदर आपकी 2 से 2.5 लाख रुपए सैलरी, आई थिंक दिस इज द बेस्ट थिंग विच यू हैव डन, है ना? और आपको कैसा फील होता है 21 में सक्सेस मिलने के बाद? डेफिनेटली सर, मतलब पहले से मुझे ऐसा ही था कि मैं कुछ भी करूँ, कोई भी चीज करूँ, तो मुझे एटलीस्ट मैं मेरे बाल ऐसे सफेद ना हो जाए तब तक मुझे ऐसा नहीं करना है कि मेरे बाल सफेद हो गए फिर मैं कमाना शुरू करूँ। तो मुझे यंग एज में ही ऐसा था कि मैं कुछ ऐसा करूँ जिससे प्राउड भी फील करवा सकूँ, और इवन मेरे खुद के सेल्फ को, मेरे घर वालों को भी प्राउड फील करवा सकूँ, और मुझे खुद को ऐसा लगे कि हाँ एटलीस्ट मैंने कुछ किया है। हमें भी प्राउड है हेविन आपके ऊपर, एंड थैंक यू सो मच कि आपने एग्जाम क्लियर किया, ताकि बाकी सभी लोगों को इस चीज के लिए जवाब भी मिलेगा और एक मोटिवेशन भी मिलेगी। सही बात है कि नहीं? हेविन, मेरे को एक चीज और पूछनी थी आपसे कि आप अपना स्पीकिंग के बारे में बताओगे, क्या इशू रहा है स्पीकिंग का?
एक्चुअली मतलब वो काफ़ी लंबा इश्यू रहा, लेकिन ऐसे शॉर्टली मैं कहूँ तो जैसे मैं जब ले रहा था कोचिंग तब स्पीकिंग मॉड्यूल की जब कोचिंग आई तभी मेरी पोस्टिंग भी आई साथ में, तो मतलब मेरा फाइनल ईयर था इसीलिए, तो तब मैं उतना ज़्यादा स्पीकिंग में फोकस नहीं कर पाया, लेकिन बाद में फैकल्टी थी, रीअश्योरेंस के लिए भी थी, सपोर्ट था उनका कि मतलब मैं भले ही नहीं कर पाया हूँ लेकिन मेरी सारी प्रैक्टिस जो थी वो मैंने बाद में भी कंटिन्यू रखी, और मेरे जो कुलीग थे उनके साथ भी मैंने प्रैक्टिस की, तो वो हुआ। और उसके बाद जब पहली बार मैंने मतलब अटेम्प्ट दिया और स्पीकिंग का जब रिजल्ट आया तब 310 आए, और उसके बाद वो चीज़ में ऐसा हुआ कि मुझे पता नहीं चल रहा था कि अब बाकी के 3 मॉड्यूल क्लियर हो गए या सिर्फ एक मॉड्यूल बचा है, तो अब क्या करें सब। तो तभी मैंने संदीप सर को कॉल किया और उनसे पूछा, तो उन्होंने फिर मुझे सजेशन दिया कि अगर मतलब आप कॉन्फिडेंट हो कि आपकी स्पीकिंग अच्छी गई है तो आप डेफिनेटली रीचेकिंग के लिए दे सकते हो। तो मैं भी आप सबको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप कॉन्फिडेंट हो कोई भी मॉड्यूल में कि उसमें आपको मार्क्स कम आए हैं तो आप डेफिनेटली रीचेकिंग के लिए रखो। और इवन संदीप सर है, कमल एकेडमी की फैकल्टी है सारी, वो आपको भी कहेगी कि हाँ आपको रीचेकिंग के लिए डालना चाहिए या नहीं। तो फिर मैंने रीचेकिंग के लिए डाला और फिर मैं ऐसे जंप किया मैंने बी ग्रेड पे, सो दैट वाज द रीजन। देखो एविन, यहाँ पे ना अगर मैं चाहता, जब आपने मेरे को कॉल किया था, आपने मुझे बोला कि सर मेरे को रीचेकिंग के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, फिर मुझे क्या करना चाहिए, मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, तो मैंने आपको बोला कि आप रीचेकिंग के लिए जाओ, आपके इवन 310 मार्क्स थे और हमको एग्जाम क्लियर करने के लिए 350 मार्क्स चाहिए, मतलब हमारे पास 40 मार्क्स का डिफरेंस था, काफी बड़ा डिफरेंस था। अगर मैं चाहता तो मैं आपको मना कर देता, मैं बोल देता कि नहीं हेविन, 40 मार्क्स आपके नहीं बढ़ेंगे। आप एक बार बताओगे कितने मार्क्स आपके बढ़े हैं? 40 बड़े 350 हो गए। मैंने आपको ये बोला कि कोई बात नहीं हेविन, आप रीचेकिंग के लिए जाओ, डेफिनेटली आपके मार्क्स बढ़ेंगे। मैं चाहता, मैं ये बोलता कि हेविन आपके ना एक्सेंट में दिक्कत है, शायद ही इसलिए इतनी सारी चीजें हुई हैं, इसलिए आपके मार्क्स नहीं आए, पर मैंने ऐसा नहीं बोला। मुझे डेफिनेटली पता था अगर बाई चांस आपका एग्जाम क्लियर नहीं भी होगा तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे उस चीज से, है ना, हाँ, एक्सेंट और को, और आप उसको इवन चेंज नहीं कर सकते हो, यस सर, आप अपना और एक्सेंट को चेंज नहीं कर सकते हो बिल्कुल भी। हाँ, और इवन मैं इस चीज पे ये नोट देना चाहूंगा कि अगर आप मतलब बाय चांस, मैं ऐसा नहीं चाहता कि किसी की, मैं तो चाहता हूँ कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ऑफकोर्स क्लियर हो जाए, लेकिन अगर बाय चांस नहीं होती है किसी की क्लियर तो कमल एकेडमी है ही आपके साथ की, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको फिर से पे करके फिर से आपको पूरी प्रोसेस फिर से करनी पड़ेगी और या ऐसा कुछ करना पड़ेगा, वो आपको फिर से क्लासेस करवाएंगे, आपका जो मॉड्यूल वीक है या जो जो पैरामीटर्स पे या जो जो एस्पेक्ट्स में आप ऐसे वीकनेस फील कर रहे हो तो उसको आप पॉलिश कर पाओगे ड्यू टू हेल्प ऑफ फैकल्टी, सो दैट वॉज द गुड थिंग। और देखो मैं आप भी एक इस वीडियो के थ्रू सभी लोगों को सजेशन देना चाहता हूँ, किसी का स्पीकिंग में या फिर राइटिंग में अगर किसी का कम मार्क्स आया और अगर आप लोग कॉन्फिडेंट हो कि नहीं मेरे ये मार्क्स नहीं आने चाहिए थे, मेरा एग्जाम क्लियर होना चाहिए था, तो डेफिनेटली आप लोग रीचेकिंग के लिए जाओ। पर अगर इतना डिफरेंस अगर आपके रीडिंग में या फिर लिसनिंग में है तो आप प्लीज मत जाएं उसके रीचेकिंग के अंदर, क्योंकि आपका रीचेकिंग में क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि वो सारा मशीन से चेक होता है वो सारा का सारा, है ना, हाँ, तो वहां पे एग्जैक्टली थोड़े कम चांसेस होते हैं रीडिंग लिसनिंग में। 40 मार्क्स बढ़ना इट्स अ बिग डील टू बी ऑनेस्ट, आपकी रीडिंग लिसनिंग में नहीं बढ़ेंगे, पर अगर आप स्पीकिंग एंड राइटिंग में अगर आपके इतने कम नंबर आए हैं और कॉन्फिडेंट हो तो डेफिनेटली जाओ, आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा और आपके सामने एक जीता ज्यादा एग्जाम्पल अपने हेवन बैठे हैं जिनके 310 से 350 हुए, 310 से 350 हुआ, डेफिनेटली उनका एग्जाम क्लियर हुआ है। एक चीज और पूछना चाहूंगा कि आपने अपनी प्रिपरेशन कैसे करी? मतलब मैंने प्रिपरेशन मेरी एकेडमिक प्रिपरेशन के साथ ही करी, जो कि मैं सजेस्ट नहीं करूंगा किसी को क्योंकि वो कभी कभी चीज़ें फेड हो जाती है, आप ना तो उस साइड के रहते हो ना इस साइड के रहते हो, तो डेफिनेटली आप अपना सब कुछ एकेडमिक क्लियर करें उसके बाद OET की प्रिपरेशन करें। लेकिन मैंने मेरी प्रिपरेशन वही की कि मैं डेडिकेटेड 2 या 3 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा OET को देता था, उस पर मेरी इंग्लिश को देता था कि मेरी इंग्लिश कहाँ पे वीक है, कौन से एस्पेक्ट्स पे वीक है। और इवन मतलब मैं ऐसा कहना चाहूंगा कि अगर आप कमल एकेडमी में एनरोल करते हो, रजिस्टर करते हो, तो आप वो प्रोसेस को ट्रस्ट करो जो कि संदीप सर ने उनके एक्सपीरियंस से और इतने सारे बच्चों को पढ़ा के जो ऐसे स्टैटिस्टिकली बनाई है कि शुरुआत से आप बेसिक क्लियर करो, बेसिक के बाद आप ग्रामर्स पे आओ, ग्रामर्स के बाद आप मॉड्यूल्स पे जाओ, क्योंकि कभी कभी ऐसा हम फ्रस्ट्रेटिंग फील करते हैं कि ऐसा हो गया कि डायरेक्टली हमें राइटिंग कर देनी है और वो चीज को हम ऐसा कर देते हैं कि राइटिंग क्लियर हो जाए पहले हमारी, फिर हम लिसनिंग पे ट्राई करेंगे, फिर हम रीडिंग में ट्राई करेंगे और स्पीकिंग तो फिर अल्टीमेटली हो ही जाएगी। तो उस चीज में ऐसा होता है कि
एक एक ही पर्टिकुलर चीज है, उसी को आपको पॉलिश करना है, इंग्लिश। और जैसे कि कोई भी मॉड्यूल आप लेके चल रहे हो, तो सब्सिक्वेंटली और उसके पैरेलली सारे मॉड्यूल्स चल ही रहे हैं आपके, प्रिपेयर हो ही रहे। फिर आप चाहे राइटिंग कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपकी रीडिंग भी अच्छी हो रही है और स्पीकिंग भी अच्छी हो रही है, क्योंकि आपको सेंटेंस फॉर्मेशन पता चल रहा है। अगर आप लिसनिंग कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपकी स्पीकिंग भी सही हो रही है। तो सारी चीजें एक ही मॉड्यूल से, ऐसे अलग नहीं है कि एक मॉड्यूल अलग हो गया, उसकी प्रिपरेशन कर ली, फिर दूसरा मॉड्यूल किया, ऐसे कुछ करने की जरूरत है नहीं। और मेन चीज तो यही है कि कमल एकेडमी में आप हर टाइम पे मॉक टेस्ट देते हो, तो वही चीज से आपको इवैल्यूएशन पता चल जाएगा कि हाँ मुझे इस चीज पे फोकस करना है। तो उस चीज पे फोकस करोगे तो ऑटोमेटिकली कोई एक दूसरा पैरामीटर होगा कि जैसे स्पीकिंग में मैं यहाँ पे वीक हो रहा हूँ, तो राइटिंग में अगर सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो जैसे ही राइटिंग का आप सॉर्ट आउट करोगे तो ऑटोमेटिकली स्पीकिंग का भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। सही बात तो है, बस मैंने वही उसी हिसाब से प्रिपरेशन की, और जैसे ही सर ने सारे स्टेटिस्टिकली नहीं सॉरी स्ट्रेटेजिकली जो भी सारे बनाए थे कि भाई हाँ इस पैरामीटर से और ऐसे प्रोसेस से जाना है, तो दैट प्रोसेस यू हैव टू ट्रस्ट, दैट्स ऑल आई एम सेइंग। मैं ना इस अपना जो मेरा जो मेन एम है ना, मैं ये चाहता हूँ कि जो बच्चे अभी जस्ट फ्रेशर पास आउट हो रहे हैं वो एटलीस्ट अपना ओईटी क्लियर कर लें। बाई चांस काफी सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं कि हम फ्रेशर रिक्रूट नहीं होंगे। अगर सोचो हेविन, अगर आप फ्रेशर, अगर आपको कहीं पे रिक्रूटमेंट नहीं मिल रहा है, फिर कहीं पे आपको जॉब नहीं मिल रही, बट आपके पास अभी आपके पास ओईटी है, अपना ओईटी हाँ, आपने और एग्जाम वो क्लियर कर दो दिया साल है, तक चलेगा। 2 साल तक चलेगा वो रिजल्ट, 2 साल तक जी चलेगा। अब चाहे आप 6 महीने का एक्सपीरियंस लो, चाहे आप 1 साल का एक्सपीरियंस लो, हाँ आपका कंफर्म हो गया कि आपको यूके जाना है, वो यस सर 100% है ना। हाँ दूसरी चीज मैं ये बोलता हूँ कि देखो, जो मेरा प्रोसेस है, जिस तरीके से मैंने डिजाइन किया पहले रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग, वो इसलिए किया था कि बच्चा पहले रीडिंग करेगा, फिर इस लिसनिंग करेगा, फिर स्पीकिंग करेगा, राइटिंग करेगा। अगर ये चारों मॉड्यूल एक साथ चलते हैं तो बच्चा ना 2 महीने में, 1.5 महीने में बच्चा कॉन्फिडेंट हो जाता है कि मेरे को जाके एग्जाम देना चाहिए। पर रियलिटी ये है कि वो तैयार नहीं हुआ है। अभी मैंने पहले रीडिंग करवाया तो पता है बच्चे को कि लिसनिंग बाकी है, फिर लिसनिंग और रीडिंग हो गया उसको पता है स्पीकिंग बाकी है, अभी पता है उसको रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग हो गया तो राइटिंग बाकी है। तब तक चारों मॉड्यूल खत्म नहीं होंगे, इतने वो एग्जाम नहीं देगा और ना ही मैं उसे एग्जाम देने दूंगा। पर बाकी जगह क्या होता है कि चारों मॉड्यूल जब एक साथ चलते हैं तो बच्चा कॉन्फिडेंट हो जाता है, फिर वहां जाके फेल हो जाता है वो। जी ये जी हमारा सर प्रोसेस था कि हम इसलिए इसको इतना लंबा लेके चलते हैं। और बेसिक चीजें ग्रामर क्लियर करके फिर मॉड्यूल क्लियर करवाना, वो देखो आपके सामने रिजल्ट है। हम लोग क्यों करते हैं वो सारी चीजें, सही बात है जी कि नहीं। एक सजेशन और लेना चाहूंगा कि आप जी जो सर अभी जो अपनी फ्रेशर नर्सेज जो पास आउट हो रही है, सबसे बड़ी चीज आपने जो बोली है वो मैं भी लोगों को बोलता हूँ कि पहले अपनी नर्सिंग कंप्लीट करो। मैं अप्रिशिएट नहीं करता हूँ, मैं आपको भी नहीं कर रहा था उस वक्त कि आप नर्सिंग के साथ साथ अपनी ओईटी करो। हमें आपको भी जी ये कहा था मैंने कि पहले अपनी नर्सिंग कंप्लीट करो, उसके बाद हम लोग ओईटी करेंगे। पर बाय गॉड एग्जैक्टली ग्रेस आपकी नर्सिंग भी कंप्लीट होने वाली है, अभी अगस्त तक आपका रिजल्ट आ जाएगा और यस सर आपकी ओईटी भी अभी क्लियर हो गई है ना। ये तो यस भगवान की दया से बहुत अच्छी चीज हुई है, पर मैं लोगों को जी अप्रिशिएट नहीं करता हूँ। पर फिर भी अगर आप एक सजेशन देना चाहते हैं अपनी साइड से, जो लोग ओईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो फ्रेशर्स हैं, तो आप क्या बताएंगे उनको अपनी तरफ से? अब मैं यही कहूंगा कि मतलब अगर फ्रेशर हो और अभी आपकी एकेडमिक ईयर चल रहा है, फोर्थ ईयर में हो, फाइनल ईयर में हो, और आप सोच रहे हो, तो पहले आप ओईटी को समझ लो पहले, और उसके पीछे उसको क्लियर करने के लिए मत भागो, बस उसको समझ लो। जैसे मैंने किया, मैंने थर्ड ईयर से मैं ओईटी को समझता आया हूँ, हर हर एक दिन में एक एक घंटा देता आया हूँ। संदीप सर के वीडियोस मैंने देखे हैं कि हाँ ऐसा होता है, ये होती है चीजें, घर वालों को समझाया कि ऐसा होता है, ये होती है चीजें, क्योंकि घर वाले भी परेशान होते हैं कि अब आगे क्या करेगा या क्या नहीं करेगा, तो उनको भी एक ऐसे रिएश्योरेंस मिलता है कि हाँ चलो ये चीज अच्छी है, बढ़िया है। और सजेशन मेनली यही रहेगा कि मतलब एकेडमिक ईयर अभी चल रहा है तो उस पर ही फोकस करो, और उसके बाद अगर आप सोच रहे हो कि अब यूके जाना है तो डेफिनेटली आप ओईटी के लिए जा सकते हो। और अनडाउटेबली विदाउट एनी डाउट अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो डेफिनेटली आप संदीप सर को कॉल कर सकते हो, कमल एकेडमी से ज्वाइन कर सकते हो, और आपको जो भी चीज़ है, आपके जो भी पैरामीटर्स है कि ये नहीं समझ आ रही या वो चीज नहीं समझ आ रही या इंग्लिश में इधर तकलीफ है उधर तकलीफ है, वो डेफिनेटली आपको 3 महीने में आपको रिजल्ट दिखेगा ऑटोमेटिकली। और इवन आप खुद इवैल्यूएट कर पाओगे कि 3 महीने पहले मेरी इंग्लिश कैसे थी और बाद में मेरी इंग्लिश कितनी इम्प्रूव हुई है आफ्टर गेटिंग ऑल मॉड्यूल क्लियरेंस और सब फैकल्टी का जो भी है सपोर्ट और वो सब।
देखो यहाँ पे इस वीडियो से हमारी कुछ चीज़ें क्लियर हुई है। सबसे पहली चीज़ ये क्लियर हुई है, जो लोग ऐसे बोलते हैं कि हिंदी मीडियम से हैं, हम लोग इस मीडियम से, तो हैविंग गुजराती मीडियम से, उनका ओईटी क्लियर हो गया है ना। दूसरा यहाँ पे ये क्लियर हुआ है कि हमें अगर ओईटी की बेसिक नॉलेज नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए। तो जैसे हैविंग ने बताया कि अपनी थोड़ी बहुत जानकारी रखो, बाकी अगर आप किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप लोग उस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हो। तीसरा ये है कि क्या हम लोग फ्रेशर जा सकते हैं, तो डेफिनेटली आप लोग जा सकते हो, और हैविंग आपके सामने एक एग्जाम्पल होगा। जैसे ही हैविंग यूके आएगा मैं एक वीडियो और बनाऊंगा हैविंग, ताकि मैं लोगों को बता सकूं कि फ्रेशर्स भी आते हैं। इवन मेरी काफी सारे स्टूडेंट्स जो फ्रेशर हैं वो यूके में काम कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी यस नहीं मिली यस है उनसे मेरे को वीडियो बनाने की, पर आपका फेस अभी फैमिलियर है तो मैं डेफिनेटली आपके साथ एक वीडियो बनाऊंगा, तब आप यहाँ पे आ जाओगे, है ना। तो यहाँ पे श्योर काफी सारी चीजें हमारी यहाँ पे क्लियर हो गई है कि जो भी लोग ये सब चीजें पूछते थे अभी आप सबके सामने क्लियर हो गया है। तो जी थैंक यू जी सो मच हेविन, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन दिस वीडियो, एंड थैंक यू सो मच टू ऑल जिन्होंने हमारी ये वीडियो देखी है, और जितने व्यूवर्स हमारी ये वीडियो देख रहे हैं उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज के लिए। और डेफिनेटली मैं ये बोलूंगा कि अभी से अपनी ओईटी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, इवन जो एक्सपीरियंस ले चुके हैं वो भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, और जो फ्रेशर अभी पास एग्जैक्टली आउट होने वाले हैं वो भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें, क्योंकि देखो फ्यूचर से अच्छा कुछ भी नहीं है। आप कितना ही दिन आप प्राइवेट में काम करो, कितना ही एक्सपीरियंस ले लो, कोई फायदा नहीं निकलेगा। मेरी लास्ट वाली वीडियो में मैंने यही चीज बोली है, तो मैं आपको यस यही सर बोलूंगा कि आप अपनी चाहे गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करें चाहे अपनी ओईटी की प्रिपरेशन करें, पर अपनी प्रिपरेशन आप लोग स्टार्ट कर दें। सो थैंक थैंक यू यू सो सर मच हेविन, आप इस वीडियो में आए और आपने जितनी भी चीजें बताई हैं लोगों को, होपफुली इनको हेल्पफुल थैंक यू रहेगी। सो मच सर थैंक यू तो सो मच फॉर गिविंग मी नो दिस नो प्रॉब्लम, नो अपॉर्चुनिटी प्रॉब्लम, थैंक यू थैंक सो यू मच गाइस। सो आपको मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस टाइम। ओके बाय, टेक केयर।